Hello students and welcome to Supporting Learners. So we are starting the chapter 8 of class 11 biology, that is cell, the unit of life, and this is the part 8 of this chapter. If you haven't watched the other 7 parts, then I will link the playlist of this chapter in the description box. So do check out the description box to find the link of that playlist. This is the second video on the topic cell envelope and its modifications, and today we are going to study about flagella, pili and fimbriae. तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को और बात करते हैं फ्लैजिला के बारे में। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बैक्टीरियल सेल की, जो कि एक प्रोकैरियोटिक सेल है। अब बैक्टीरियल सेल जो है वो मोटाइल हो सकता है या फिर नॉन मोटाइल भी हो सकता है। मोटाइल का मतलब वो मूव कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह। अब अगर बैक्टीरिया मोटाइल है तो उसको मोटिलिटी प्रोवाइड करने वाला जो स्ट्रक्चर है उसका नाम है फ्लैजिला। अब ये फ्लैजिला क्या है? फ्लैजिला इज अ थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन फ्रॉम द सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया। तो थिन फिलामेंटस का मतलब है पतले धागे जैसा एक स्ट्रक्चर है और ये एक्सटेंशन है सेल वॉल की। तो ये एनसीईआरटी की एग्जैक्ट लाइन है और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग फ्लैजिला जो है वो सेल वॉल की एक्सटेंशन है। अब बैक्टीरिया में नंबर ऑफ फ्लैजिला वेरी कर सकता है। कई बैक्टीरिया में एक फ्लैजिला होता है, कईयों में दो फ्लैजिला भी हो सकते हैं और कईयों में मल्टीपल फ्लैजिला भी हो सकते हैं, और इस फ्लैजिला की अरेंजमेंट भी डिफरेंट हो सकती है। अब ये फ्लैजिला अरेंजमेंट चार टाइप्स की होती हैं। पहला टाइप है मोनोट्राइकस। फर्स्ट टाइप ऑफ फ्लैजुलर अरेंजमेंट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इज मोनोट्राइकस अरेंजमेंट। मोनो का मतलब होता है वन और ट्राइकस का मतलब होता है हेयर लाइक। तो इस डायग्राम में अगर आप देखो, यहां पर ये वाली जो अरेंजमेंट है ये मोनोट्राइकस अरेंजमेंट है। मोनोट्राइकस अरेंजमेंट में बैक्टीरिया के एक एंड पर सिंगल फ्लैजिला अटैच्ड होता है, तो पोलर फ्लैजिलम होता है। पोलर यानी कि एक एंड पर प्रेजेंट है और फ्लैजिलम सिंगुलर। सेकेंड टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड द एम्फीट्राइकस अरेंजमेंट। एम्फी का मतलब होता है बोथ। एम्फी का मतलब होता है बोथ और ट्राइकस मतलब हेयर लाइक। तो यहां पर ये जो अरेंजमेंट आपको दिख रही है, दिस इज एम्फीट्राइकस अरेंजमेंट। तो यहां पर बोथ एंड्स पर, दोनों एंड्स पर सिंगल फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। थर्ड टाइप की अरेंजमेंट है लोफोट्राइकस अरेंजमेंट। लोफो का मतलब होता है टफ्ट या फिर एक क्लस्टर। तो लोफोट्राइकस अरेंजमेंट, तो ये अरेंजमेंट जो दिख रही है आपको, ये लोफोट्राइकस अरेंजमेंट है। इसमें बहुत सारे फ्लैजिला जो हैं वो साथ में प्रेजेंट होते हैं। लॉट ऑफ फ्लैजिला आर प्रेजेंट टूगेदर इन अ टफ्ट। टफ्ट यानी कि गुच्छे में प्रेजेंट होते हैं ये। एंड द लास्ट टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड द पेरीट्राइकस अरेंजमेंट। पेरीट्राइकस अरेंजमेंट, ये वाली अरेंजमेंट पेरीट्राइकस अरेंजमेंट है। इसमें बहुत सारे फ्लैजिला यूनिफॉर्मली प्रेजेंट होते हैं ओवर द सर्फेस ऑफ बैक्टीरिया। ओके, सो दीज आर द फोर टाइप ऑफ अरेंजमेंट। और अगर बैक्टीरिया के पास कोई भी फ्लैजिला नहीं है, नो फ्लैजिला, तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं ए ट्राइकस। ए का मतलब होता है एबसेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट हेडिंग है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिला। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिला में पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बैक्टीरिया के फ्लैजिला का डायामीटर 20 नैनोमीटर होता है और ये 10 टू 15 माइक्रोमीटर्स इसकी लेंथ होती है। सो कई बार ऐसा होता है बैक्टीरिया के फ्लैजिला की लेंथ खुद बैक्टीरिया से भी बड़ी होती है। हम बात करें पार्ट्स ऑफ फ्लैजिला की, तो बैक्टीरियल फ्लैजिला के तीन पार्ट्स होते हैं, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। यहां पर इस डायग्राम में आप देखो, आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर जो है, जो सेल सरफेस के आउटर साइड पर एक्सटेंड करता है, उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फिलामेंट। एंड दिस इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन ऑफ द फ्लैजिला। और ये फिलामेंट बना हुआ होता है प्रोटीन्स का, जो प्रोटीन्स है फ्लैजिलिन प्रोटीन्स, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फ्लैजिलिन प्रोटीन्स का बना हुआ होता है ये फिलामेंट। नेक्स्ट पार्ट देखें, नेक्स्ट पार्ट है हुक। हुक जो है वो थोड़ा सा वाइड, थोड़ा सा मोटा होता है एज कंपेयर टू फिलामेंट, और एक शॉर्ट कर्व्ड स्ट्रक्चर होता है, और बेसिकली ये कनेक्ट करता है फिलामेंट को विद द बेसल बॉडी। तो यहां से यहां तक जो आप पार्ट देख रहे हैं ये है बेसल बॉडी, ठीक है। तो हुक जो है, बीच में जो एक स्ट्रक्चर है हुक, वो कनेक्ट करता है फिलामेंट को बेसल बॉडी से। अब बेसल बॉडी, थर्ड पार्ट, बेसल बॉडी जो है वो एम्बेडेड होती है इन द सेल वॉल एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बेसल बॉडी के दो पार्ट्स होते हैं, ये होती है सेंट्रली लोकेटेड रॉड, ठीक है। यहां पर दिस इज द सेंट्रली लोकेटेड रॉड, और
इसके साथ अटैच्ड होती हैं ये रिंग्स। और जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि ये सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है इस फ्लैजिला का। अब नेक्स्ट आपको यहां पर दिख रहा होगा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि द बैक्टीरिया विच टेक अप द ग्राम स्टेन आर कॉल्ड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, वेयर एज द बैक्टीरिया विच डू नॉट टेक अप द ग्राम स्टेन आर कॉल्ड द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के फ्लैजिला में डिफरेंस होता है। डिफरेंस यहां पर यह दिखाया गया है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बेसल बॉडी में 4 रिंग्स प्रेजेंट होती हैं, whereas gram positive bacteria की basal body में सिर्फ 2 ही rings present होती हैं। इसे आप ऐसे याद रख सकते हो कि gram negative यानी कि इसमें minus का sign आता है और 4 जो word है उसमें first alphabet में यहाँ पर आप देखोगे कि minus का आपको यहाँ पर sign दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर gram positive bacteria को कैसे याद रखेंगे, positive का sign होता है plus और यहाँ पर word है 2, तो 2 वर्ड का जो फर्स्ट अल्फाबेट है वो प्लस की शेप का है। सो इसकी बेसल बॉडी में कितनी रिंग्स हो जाएंगे, 2 रिंग्स। तो ये याद करने का तरीका है ताकि आप इसको भूलो नहीं। अब बात करते हैं कि ये फ्लैजिला मूव कैसे करता है। तो होता क्या है कि जो फ्लैजिला की बेसल बॉडी और हुक है वो परमिट करते हैं फिलामेंट को टू रोटेट एट 360 डिग्री। तो रोटेशनल मूवमेंट होती है फिलामेंट की। यहां पर आप इस एनिमेशन में देख सकते हैं कि बेसल बॉडी जो है वो रोटेट कर रही है और उस फोर्स से हुक में ट्रांसफर हो रहा है फिर ये। तो यहां पर आप इस डायग्राम में देख सकते हैं फ्लैजिला की मूवमेंट। ये 360 डिग्री का जो फिलामेंट है ये रोटेट करता है बेसल बॉडी के रोटेशन की होने की वजह से। अब ये जो फ्लैजिला है ये क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकता है और एंटी क्लॉकवाइज मोशन में भी ये रोटेट कर सकता है और उसका मोशन एक प्रोपेलर की मोशन की तरह से बहुत मिलता जुलता है। तो यहां पर अगर हम इस डायग्राम में दोबारा जाकर देखें तो यहां पर हम देखेंगे कि बेसल बॉडी जो है वो बेसिकली एक मोटर की तरह एक्ट करती है जो रोटेट करती है और हुक फिलामेंट को कनेक्ट करता है विद द बेसल बॉडी और जैसे ये बेसल बॉडी रोटेट करती है वैसे ही फिलामेंट भी रोटेट करता है। अगर बेसल बॉडी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है तो ये फिलामेंट भी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा और अगर बेसल बॉडी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है तो फिलामेंट भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। मेन बात जो आपने यहां पर याद रखनी है वो ये है कि ये रोटेटरी मोशन है, राइट। अपेंडेज है पिलाए। Pilae is a hair-like appendage found on the surface of the bacteria. तो appendages जैसे आपके हाथ और पैर होते हैं वो आपकी बॉडी में आपके appendages होते हैं, वैसे ही bacteria में hair-like appendages होते हैं pilae. ये pilae बने होते हैं pilin proteins के और इनका function, main function जो होता है इनका adherence. Pilae का कोई function motility के साथ associated नहीं है, ये याद रखना। ये मूवमेंट में हेल्प नहीं करते हैं, ये अडहेरेंस यानी कि बैक्टीरिया को अटैच करने में हेल्प करते हैं रॉक्स से, डिफरेंट डिफरेंट सर्फेसेस से और बैक्टीरिया को आपस में भी अटैच करवाते हैं। और पिलाए का एक बहुत स्पेशल फंक्शन है कॉन्जुगेशन में। तो कॉन्जुगेशन की प्रोसेस को हम इस डायग्राम से समझेंगे। 2 टाइप्स के बैक्टीरिया होते हैं, पहले होते हैं एफ प्लस सेल्स और दूसरे होते हैं F माइनस सेल्स। F प्लस सेल्स वो सेल्स होते हैं जिनमें ये F प्लाज्मिड होता है एंड F स्टैंड्स फॉर फर्टिलिटी। जिन बैक्टीरिया के पास ये फर्टिलिटी प्लाज्मिड DNA होता है उस बैक्टीरिया को हम कहते हैं F प्लस सेल और जिस बैक्टीरिया के पास ये F प्लाज्मिड एब्सेंट होता है उसे हम कहते हैं F माइनस सेल। अब ये F प्लाज्मिड में जो जीन्स होती हैं वो कोड करती हैं प्रोटीन्स के लिए जो बनाते हैं कॉन्जुगेशन पाइलस। पाइलस सिंगुलर है, पिलाए प्लूरल है। कॉन्जुगेशन पाइलस को हम F पाइलस भी कहते हैं या सेक्स पाइलस भी इसको बोल देते हैं। ये इन दोनों सेल्स को कनेक्ट करता है। तो इस F पाइलस के जरिए क्या होता है, ये दोनों सेल्स F प्लस सेल्स और F माइनस सेल्स ये कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं और उसके बाद क्या होता है कि ये F प्लस सेल अपना एक स्ट्रैंड जो है वो ट्रांसफर कर देता है F माइनस सेल को। तो एट द एंड ऑफ कॉन्जुगेशन क्या होता है कि दोनों बैक्टीरिया के पास F प्लाज्मिड आ चुका होता है
यानी कि ये दोनों सेल्स एट द एंड ऑफ कॉन्जुगेशन क्या बन जाएंगे, एफ प्लस सेल्स बन जाएंगे। कॉन्जुगेशन से पहले ये वाला सेल जो था वो एफ प्लस सेल था और ये सेल जो था वो एफ माइनस सेल था, बट कॉन्जुगेशन के बाद एट द एंड ऑफ कॉन्जुगेशन जब ट्रांसफर हो चुका है जेनेटिक मटीरियल का, तो ये दोनों सेल्स क्या हो जाएंगे, एफ प्लस सेल्स हो जाएंगे। और इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं कॉन्जुगेशन, जिसमें कि एक सेल अपना जेनेटिक मटीरियल दूसरे सेल को ट्रांसफर कर देता है। और इस कॉन्जुगेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस पिलाए का। अगर ये पिलाए नहीं बनेगा तो ये कनेक्ट नहीं कर पाएंगे आपस में दोनों बैक्टीरिया। और कॉन्जुगेशन एक ऐसा प्रोसेस है ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल का, जहां पर इन दो बैक्टीरिया का फिजिकल कॉन्टैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट दिस फिजिकल कॉन्टैक्ट ये ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटीरियल नहीं हो पाएगा। एंड दीज पिलाए आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर विरुलेंस इन द पैथोजेनिक स्ट्रेन्स ऑफ मेनी बैक्टीरिया। विरुलेंस यानी कि डिजीज कॉजिंग एबिलिटी भी प्रोवाइड करता है ये पिलाए बैक्टीरिया को। थर्ड अपेंडेज है फिम्ब्रिए। फिम्ब्रिए जो है वो ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब ये जैसे बैक्टीरियल सेल है तो ये ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर्स ऑल ओवर द सर्फेस ऑफ द बैक्टीरिया, ये होते हैं फिम्ब्रिए। और पिलाए कैसे होते हैं, पिलाए थोड़े से लॉन्ग ट्यूबुलर इस तरीके से होते हैं। फिम्ब्रिए का भी मेन फंक्शन ये भी हेल्प करते हैं बैक्टीरिया को टू अटैच ऑन द सर्फेस ऑफ रॉक्स इन स्ट्रीम्स एंड ऑल्सो द होस्ट टिश्यू। बट इनका अगेन इनका भी मोटिलिटी में कोई रोल नहीं होता है, ये बात याद रख लेना। पिलाए और फिम्ब्रिए मोटिलिटी में हेल्प नहीं करते हैं। और इसका मैंने लास्ट वीडियो में तुम्हें एग्जांपल दिया था निसरिया गोनोरिया, जो गोनोरिया कॉज करता है, एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है और बैक्टीरिया अटैच करता है ह्यूमन के सर्वाइकल या यूरेथ्रल एपिथीलियम में बाय द मीन्स ऑफ दीज फिम्ब्रिए, एंड दैट्स हाउ इट कॉजेज द डिजीज गोनोरिया। Now, what are the similarities between pilae and fimbriae? Pilae और fimbriae दोनों ही filamentous extension से धागे की तरह दिखते हैं, appendages हैं जो कि surface of bacteria में present होते हैं, ठीक है? तो दोनों ही bacteria के surface की attachments हैं, और ये दोनों structures bacteria को attachment या adhesion में help करते हैं, दोनों ही proteins के बने हुए होते हैं, और दोनों में antigenic होते हैं, और immune response जो है वो evoke कर सकते हैं। अब ये एंटीजन क्या है, एंटीजन एक फॉरेन सब्सटेंस है। अब ये कोई भी फॉरेन सब्सटेंस हमारी बॉडी में एंटर करेगा तो हमारे बॉडी के पास एक इम्यून सिस्टम है, वो इम्यून रिस्पांस जनरेट करेगा उस फॉरेन सब्सटेंस को किल करने के लिए। तो ये पिलाए और फिम्ब्रिए दोनों ही बैक्टीरिया के, ये दोनों ही स्ट्रक्चर एंटीजन की तरह एक्ट करते हैं हमारी बॉडी में और इम्यून रिस्पॉन्स को इवोक कर सकते हैं। अगर डिफरेंसेस की बात करें पिलाए और फिम्ब्रिए में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, तो पिलाए जो है वो लॉन्ग हेयर लाइक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं, जबकि फिम्ब्रिए ब्रिसल लाइक है, जो मैंने आपको पीछे बताया, ठीक है? पिलाए लॉन्गर होते हैं लेंथ में, जबकि फिम्ब्रिए शॉर्टर होते हैं लेंथ में। पिलाए लेस इन नंबर होते हैं 1 to 4 पर सेल, और फिम्ब्रिए मोर इन नंबर होते हैं 300 to 400 पर सेल। ऑब्वियसली बात है, जैसे अगर ये बैक्टीरियल सेल है तो जो फिम्ब्रिए है वो ब्रिसल लाइक है, इस तरीके से शॉर्ट लेंथ है उनकी, तो ऑब्वियसली ज्यादा नंबर में प्रेजेंट होंगे। जबकि पिलाए है वो ब्रॉडर है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं, तो ये कम नंबर में प्रेजेंट होते हैं सेल में। इसके अलावा पिलाए ज्यादा रिजिड होते हैं, जबकि फिम्ब्रिए लेस रिजिड होते हैं। पिलाए जो है वो कॉन्जुगेशन में रोल प्ले करते हैं, उनका एक फंक्शन होता है कॉन्जुगेशन, जबकि फिम्ब्रिए का कोई भी रोल नहीं होता कॉन्जुगेशन में। इसके अलावा पिलाए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ही सिर्फ पाए जाते हैं, जबकि फिम्ब्रिए दोनों ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों में पाए जाते हैं। So that's it for today's video. Thank you for watching and I hope you liked it. So please subscribe to Supporting Learners and also hit the bell icon so that you receive a notification whenever I upload new video.